गोरखपुर एक्सप्रेस न्यूज के सभी दर्शकों को विष्णु प्रभाकर का नमस्कार है। और इस वक्त हम मौजूद हैं गोरखपुर में, ये गोरखपुर धर्मशाला है। और यह दृश्य देखने के बाद जो है आपको बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए मन में, रुक दीजिए, सम्मान जरूर बढ़ जाएगा। रणजीत कैमरा इधर कर लो। तो हमारे साथ जो है चंद्रशीला है। चंद्रशीला के बारे में बता दूँ, ये कुसमी की रहने वाली हैं और धर्मशाला से लेके गोरखनाथ मंदिर जो है ऑटो चलाती हैं और आत्मनिर्भर हैं। इनका कहना यह है कि दुनिया का क्या है, दुनिया का तो काम है कहना, कोई अच्छा करे तो भी लोग कहेंगे और बुरा कहे तो भी कहेंगे। तो आप अपना परिचय दे दीजिए, क्या नाम है आपका? चंद्रशीला। चंद्रशीला, तो कहाँ की रहने वाली हैं? हम कुसमी रहते हैं। कुसमी की रहने वाली हैं। अच्छा, कहाँ से कहाँ ऑटो चलाती हैं? कुसमी से गोरखनाथ है। अच्छा, हाँ, यूनिवर्सिटी धर्मशाला। अच्छा, सवारी पाते हैं। अच्छा, वहाँ ले खरखंडी वाला पर भी जाते हैं। अच्छा, तो डर नहीं लगता है? आप महिला हैं, ऑटो चला रही हैं, डर नहीं लगता है? नहीं, हमको कोई दिक्कत नहीं होता। अच्छा, क्यों डर नहीं लगता है ये बताइए? डर तो लगता है, हिम्मत करना चाहिए ना। डर लगता है, हाँ। लेकिन हिम्मत है, हाँ? क्योंकि आप काम कर रही हैं और खुद निर्भर कर रही हैं। कब आपके मन में ये ख्याल आया? डर रखेंगे तो कैसे चलाएंगे? तो आपके मन में कब एक ख्याल आया कि हमको ऑटो चलाना चाहिए? पहले क्या करती थी? पहले काम इधर उधर करते थे। क्या काम करती थी? घर में काम करती थी, हाँ। अच्छा, तो कैसे कुछ तो आप आया तो लेकर अपना काम। अच्छा, ऑटो खरीद लिया, हाँ। तो ऑटो उसके बाद सीखी लेने के बाद, हाँ, लेने के बाद। तो शादीशुदा है आप, हाँ। बच्चे कितने हैं? बाबू एक बहन। अच्छा, आपके पति क्या करते हैं? वो भी घर ही है। घर ही कुछ करते नहीं है? अच्छा, तो आपको लगा कि जो है परिवार को आगे बढ़ाना है तो आपको खुद काम करना चाहिए। तो शुरू में तो काम करते होंगे तो घर के अगल बगल के लोग कहीं ना कहीं कटाच करते होंगे, ताना मारते होंगे, क्या कहते थे? अब कहाँ करें, किसी की बात नहीं सुनना है, अपना काम करना है। किसी का बात नहीं सुनना है, क्या कहते थे लोग? अपना काम करना है, अपना रोजी रोटी देखना है। वो लोग कुछ कहते हैं तो आपको परवाह नहीं रहता है ना उनके बात? बात नहीं सुनते हैं, अपना काम, अपना काम करना मिलता है। किसी की बात बात बतियाने को सुनने को, किसी की बात कहने से कुछ नहीं होता है ना। सुबह निकल के अपना काम करते हैं। अच्छा, तो सुबह कितने बजे आ जाती हैं आप ऑटो स्टैंड पे? हम 9-10 बजे लेकिन के लंच बना के भेज के आते हैं। अच्छा, लड़के लोग को खाना वाना बना के खिला के आ जाती हैं। अब कितना कमा लेती हैं? लगन वगन रहता है, 1500 कमा लेते हैं। अच्छा, लगन रहता है तो 1500 होता है, कम से कम 500 कमा लेती हैं। अच्छा, ये बता दीजिए हमको, शाम तक कब तक चलाती हैं आप? शाम तक 6 बजे घर चले जाते हैं। 6 बजे तक, हाँ। तो यहाँ महिला सीट बैठाती हैं, महिला सवारी की पुरुष? तो अपना कोई, हाँ, जो मिलेगा वो बैठा के, हाँ, जो मिले वो बैठा, हाँ। ले, हाँ? हाँ। तो कभी ऐसा हुआ होगा कि बहुत सवारी ऐसे कहते होंगे आपको देख के कि आप महिला है, अजब तरीके से देखते होंगे, हाँ। होता होगा ना, हाँ? देखते हैं, हाँ? क्या बोलते हैं कुछ सवारी? बोलते हैं लोग आपको देख कर हमको गर्व हो रहा है, बहुत गर्व हो रहा है जी। मुझे भी देख कर आपको गर्व हो रहा है, क्योंकि बेटियों के लिए कहा जाता है, महिलाओं के लिए कहा जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे समाज में आज भी बेटियों को लोग अलग नज़रिए से देखते हैं। जब ये रास्ते से ऑटो चलाती होंगी तो देखने वाले के मन में तमाम बातें आती होंगी, लेकिन सच्चाई यह है कि एक माँ और एक बेटी अपने परिवार को चलाने के लिए देखिए कितना मेहनत करती हैं। सुबह 6 बजे सोकर उठती होंगी, खाना वाना बनाकर 9 बजे अपने ड्यूटी पर लग जाती हैं। इनका कहना है कि इनके पति कुछ काम नहीं करते हैं तो परिवार को आगे बढ़ाने के लिए ये खुद ऑटो चलाने लगी। ये चंद्रशीला हैं, कुसमी की रहने वाली हैं, हाँ। तो बच्चे वच्चे को पढ़ाती हैं? RS पल में हमारा लेके पढ़ते हैं दो। अच्छा, और आप खुद भी पढ़ी लिखी हैं? आठ तक पढ़ी हैं। तो शिक्षा बहुत ज़रूरी है ना? हाँ। अच्छा, तो ये बताइए, जो तमाम बेटियां आपको देख रही हैं, तमाम महिलाएं जो देख रही हैं, जो घर के दहलीज को, घर के चौखट को पार करने में 100 बार सोचती हैं कि जमाना क्या कहेगा, लेकिन एक चंद्रशीला जो है घर के चौखट को, दहलीज भी पार की और अपने आप को साबित भी की और अपने परिवार का खर्चा भी चला रही हैं, तो क्या कहेंगी आप? क्या कहेंगे, मान लीजिए चलाना तो मजबूरी है ना। मजबूरी है, दो आदमी से एक आदमी कमाएगा कैसे काम चलेगा? अच्छा, करेंगे तभी ना खर्चा चलेगा। अच्छा, कहा जाता है बेटियां कमजोर हैं, क्या बेटियां कमजोर हैं क्या? नहीं नहीं कमजोर है, हिम्मत रखना चाहिए, हिम्मत हारना नहीं चाहिए, हारना नहीं चाहिए। तो जो लोग कहते हैं बेटियां कमजोर है, ये देख लीजिए ये दृश्य, मुझे लगता है आज का सबसे ताकतवर दृश्य होगा। एक बेटी जिसका परिवार बिखर रहा था तो खुद जो है और ऑटो चलाने लगी। तो ये लोन पर ली है? हाँ, लोन से ली। अच्छा, कितना जमा की थी?
75,000 जमा की थे। अच्छा, और उसके बाद 8,153 रुपया आता है इसका। तो हर महीने भर देती हैं कि? हाँ, हर महीने भर, कोई दिक्कत नहीं होता। हर दिए तो घर का पूरा पैसा खर्चा और आप ही चलाते हैं? हाँ, सब चलाते। आपके पतिदेव कुछ नहीं करते हैं? कुछ नहीं, वो अपना खाने का नहीं कमाते हैं, राशन उशन खाने का भी नहीं कमाते हैं। अच्छा, तो आपके जो सास ससुर होंगे वो भी देखते होंगे तो गर्व होता होगा ना? आपके घर वाले क्या कहते हैं, मायके के लोग क्या कहते हैं? हमारे मायके के लोग अच्छा है, खुश है, मतलब अपना काम कर रहे हैं। आपको कैसा लगता है ये काम करके? हमको भी ठीक लग रहा है, अच्छा लगता है। अच्छा, तमाम ऐसे आपके जो सवारी हैं बैठते होंगे तो बहुत सारे लोग जो आपको देख के कहते होंगे कि बहुत अच्छा काम कर रही हैं? सब लोग बोलते हैं बहुत अच्छा कर रही हैं। अच्छा, टीचर सब कहती हैं कि खुद के अपना कर रही हैं। लड़कियां क्या कहती हैं जब लड़कियां आपके गाड़ी में बैठती हैं, तब क्या कहती हैं? लड़कियां सब खुश होती हैं। अच्छा, बहुत लड़कियां अक्सर खुश होती हैं। अच्छा, अब बता दीजिए कहाँ कहाँ से कहाँ आप चलती हैं? हम चलते हैं मोतीराम से, फिर कुसमी गोरखपुर, कुसमी से सोनबरसा से यहाँ गोरखपुर। अच्छा, स्टेशन धर्मशाला जहाँ सवारी पाते हैं, गोलघर कचहरी। हाँ, गोलघर कचहरी छात्र संघ चौराहा टसकोर नगर। अच्छा, हर जगह। अच्छा, कोई कहता है रिजर्व भी जाने के लिए तो जाती हैं? हाँ, जाती हैं दिन में। रिजर्व जाते होंगे, कोई अकेले कोई जाता होगा तो डर नहीं लगता है आपको? काम करते हैं, पैसा पैसा से मतलब है। अच्छा, जिनको जहाँ छोड़ना है छोड़ के चले आते हैं। हाँ, डर करेंगे तो कहाँ काम कर पाए। अच्छा, तो चंद्रशिला नाम है आपका, कुसमी की रहने वाली है। तो ये चंद्रशिला है और गोरखपुर एक्सप्रेस न्यूज यूपी की बात कर रही है और धर्मशाला पे हमारी मुलाकात हो गई है। तो हम सोचे इनसे बात करें क्योंकि ये ऐसा दृश्य बहुत कम दिखता है। आप तमाम औरतों को देखते होंगे, तमाम महिलाओं को देखते होंगे, लेकिन एक बेटी जो है जब उसके परिवार पे बहुत बड़ा दबाव पड़ा तो खुद जो है सारी व्यवस्था करने लगी और अब जो है चंद्रशिला धर्मशिला से जो है ऑटो चलाती हैं। तो आप दे दुनिया पूर्वांचल की खबरों के लिए गोरखपुर एक्सप्रेस न्यूज़ देखते रहिए। जो हमारे तमाम दर्शक हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे? जो लोग कहते हैं कि बेटी को गर्भ में ही मार देते हैं, भ्रूण हत्या करा देते हैं, उनसे क्या कहेंगे? सबसे हम मान लीजिए अपना रक्षा करेंगे, अच्छा से मन में ऐसा नहीं करना चाहिए ना? हाँ, ऐसा नहीं करना चाहिए। चलिए, तो हमारे साथ चंद्रशिला थी खास बात करने के लिए। और चंद्रशिला का ये ऑटो है, लोन पर ऑटो लेके जो है ये इसका किस्त भी टाइम पे भर रही है और इनका कहना है कि इनके जो पतिदेव हैं वो कुछ काम नहीं करते हैं तो यह खुद परिवार की जिम्मेदारी लेकर आज दो बच्चे को पाल रही हैं। सुबह जो है खाना बनाकर खिलाकर आ जाती हैं गोरखपुर और धर्मशाला ऑटो चलाती हैं। हमारे साथ खास बातचीत कर रही थी आज चंद्रशिला। और कहीं ना कहीं ऐसा दृश्य, ऐसी कहानी हमारे देश में, हमारे समाज में उन तमाम बेटियों को भी चंद्रशिला के बारे में जानकर प्राउड होगा।